नमस्कार दोस्तों, आपका वेद क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय गणितज्ञ और उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले ग्रंथ से स्टार्ट करते हैं। पहला ग्रंथ है दोस्तों आर्यभट्टीय। ठीक है दोस्तों, पहले ग्रंथ का नाम है दोस्तों आर्यभट्टीय और जिसके लेखक हैं दोस्तों आर्यभट्ट प्रथम। और यह किस सन में लिखा गया था? तो 499 ईस्वी में लिखा गया था। तो 499 ईस्वी में आर्यभट्ट प्रथम द्वारा आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले ग्रंथ पे चलते हैं। अगला ग्रंथ है दोस्तों महासिद्धांत। अगले ग्रंथ का नाम क्या है दोस्तों? महासिद्धांत। और यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो आर्यभट्ट द्वितीय द्वारा लिखा गया था। और यह किस सन में लिखा गया था? 950 ईस्वी में लिखा गया था। 950 ईस्वी में आर्यभट्टीय द्वितीय द्वारा महासिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले ग्रंथ पे चलते हैं। अगला ग्रंथ है दोस्तों लघु भास्करीय तथा महाभास्करीय नामक ग्रंथ भास्कर प्रथम द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, और 21 सन में तो 629 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले ग्रंथ पे चलते हैं। अगला ग्रंथ है दोस्तों करण कुतूहल। ठीक है दोस्तों, करण कुतूहल सिद्धांत शिरोमणि लीलावती के जो लेखक हैं दोस्तों वो भास्कर द्वितीय द्वारा और किस सन में? 1136 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, 1136 में भास्कर द्वितीय द्वारा करण कुतूहल सिद्धांत शिरोमणि लीलावती ये ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें पूछा जाता है कि लीलावती। ठीक है दोस्तों, लीलावती के जो राइटर हैं यानी लेखक हैं दोस्तों किसने लिखा है? तो भास्कर द्वितीय ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, और किस सन में? 1136 ईस्वी में। तो लीलावती आप याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला है, अगला ग्रंथ है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया है? ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा लिखा गया? ब्रह्मगुप्त के द्वारा। और 628 ईस्वी में कब लिखा गया है दोस्तों? 628 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त द्वारा। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले ग्रंथ पे चलते हैं। अगला ग्रंथ है दोस्तों सिद्धांत शेखर गणित तिलक। कौन सा है दोस्तों ग्रंथ? सिद्धांत शेखर और गणित तिलक। और किसके द्वारा लिखा गया? तो श्रीपति के द्वारा लिखा गया। और किस सन में? 1039 ईस्वी में यह लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो 1039 ईस्वी में गणितज्ञ श्रीपति द्वारा उनका ग्रंथ है सिद्धांत शिखर और गणित तिलक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले ग्रंथ पे चलते हैं। अगला ग्रंथ है दोस्तों गणित मानस। ठीक, सॉरी लघु मानस। लघु मानस और गणितज्ञ हैं दोस्तों मुंजाल। मुंजाल द्वारा लघु मानस लिखा गया है ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, और किस सन में लिखा गया है? 932 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, लघु मानस। ठीक है दोस्तों, लघु मानस मुंजाल द्वारा और 932 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले ग्रंथ पे चलते हैं। अगला ग्रंथ है दोस्तों गणित कैमुदी। गणित कैमुदी के जो लेखक हैं दोस्तों गणितज्ञ वह हैं नारायण। ठीक है दोस्तों, कौन है? नारायण। और ये किस सन में लिखा गया है? तो 1356 ईस्वी में लिखा गया। 1356 ईस्वी में गणितज्ञ नारायण द्वारा गणित कैमुदी ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले ग्रंथ पे चलते हैं। अगला ग्रंथ है दोस्तों गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह के लेखक जो हैं दोस्तों, राइटर हैं, गणितज्ञ हैं वो महावीर। ठीक है दोस्तों, और किस सन में लिखा गया है? तो 850 ईस्वी में। 850 ईस्वी में गणितज्ञ महावीर द्वारा गणित सार संग्रह ग्रंथ नामक लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले ग्रंथ पे चलते हैं। अगला ग्रंथ है दोस्तों, ग्रंथ है त्रिशतिका। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? त्रिशतिका। अगले ग्रंथ का नाम है त्रिशतिका और किसके द्वारा लिखा गया? श्रीधर द्वारा लिखा गया। और किस सन में लिखा गया? 750 ईस्वी में। 750 ईस्वी में श्रीधर द्वारा त्रिशतिका नामक ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले ग्रंथ पे चलते हैं। अगले ग्रंथ का नाम है दोस्तों गणित मंजरी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गणित मंजरी। गणित मंजरी के लेखक जो हैं दोस्तों गणितज्ञ हुआ, गणितज्ञ कौन है? ढूंढीराज के द्वारा लिखा गया। और किस सन में? 1559 ईस्वी में। 1559 ईस्वी में
गणितज्ञ ढूंढी राज द्वारा गणित मंजरी नामक ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले ग्रंथ पे चलते हैं। अगला ग्रंथ है दोस्तों पाटीसार। अगले ग्रंथ का नाम क्या है दोस्तों? पाटीसार। और किसके द्वारा लिखा गया है? मुनीश्वर के द्वारा। किसके द्वारा? मुनीश्वर के द्वारा। और 1603 ईस्वी में मुनीश्वर द्वारा पाटीसार नामक ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला ग्रंथ देखते हैं। और अगला ग्रंथ है दोस्तों वैदिक गणित। ठीक है दोस्तों, वैदिक गणित। वैदिक गणित के लेखक हैं स्वामी भारतीय कृष्ण तीर्थ। कौन है दोस्तों? स्वामी भारतीय कृष्ण तीर्थ के द्वारा वैदिक गणित लिखी गई है। और ये किस सन में लिखी गई थी? 1884 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो 1884 ईस्वी में स्वामी भारतीय कृष्ण तीर्थ द्वारा वैदिक गणित नामक ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।